हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे। और खुश रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम सुनते हैं और हमारा मन खराब होता है। तो जो अच्छी चीज़ें होती है वो दिल में रखिए, जो बुरी चीज़ें होती है उसे निकाल दीजिए। इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, ये फंडा अपना लीजिए, तो ज़िंदगी में जो है खुशी खुश रहोगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो वगैरह लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि नहीं शेयर करने का दिल कर रहा था आज वीडियो। तो मैं सोचा चलो छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से, लगभग 4-5 दिन से मैं सभी की वीडियो पे नहीं जा पा रही थी। उसका कारण क्या, जा रही थी बहुत से, मतलब जा रही थी और लेकिन जिसकी वीडियो वॉच कर रही थी मैं फुल वॉच कर रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कमेंट करने का। एक तो आप लोगों को बता दूँ तो कमेंट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं खाना बनाते रहती हूँ या मेरे घर में जो है आए हुए थे गेस्ट, मेरी ननद आई हुई थी, उसके बाद मेरी जिठानी आई थी और उससे पहले मेरा भांजा आया हुआ था। तो इन सारी चीज़ों में ना मैं उन लोग, अगर मैं आप लोगों की वीडियो पे ध्यान देती, जैसे फॉलोअर्स तो मैं कर ही देती लेकिन मैं ना वो ध्यान नहीं दे रही थी, मैं लोग अपने फैमिली वालों के साथ बातें करने में लगी हुई थी, तो वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, तो मैं कभी कभी ना कमेंट नहीं कर पा रही थी। तो मैं सिर्फ फुल वॉच लिख देती थी या कई बार फुल वॉच भी हो जाती, तो वही कमेंट करने का टाइम नहीं रहता था। मैं लोगों के साथ बैठी रहती थी, अपनी फैमिली के साथ तो नहीं कमेंट कर पाती थी, तो उससे काफ़ी लोगों को लगता होगा कि मैं उनकी वीडियो देखती नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं सभी की वीडियो देख रही थी। हाँ, कुछ लोगों की वीडियो पे नहीं जा पा रही थी, सही बात है, लेकिन जितने लोग वीडियो पर मैंने कमेंट किए हैं उन लोगों की वीडियो पर मैं गई हूँ और वॉच भी किया है फुल वॉच, जिसकी वजह से मेरा नेट जो है ख़त्म हो जाता, क्योंकि फुल वॉच सभी की अगर हम वीडियो देख करेंगे तो नेट ज़्यादा नहीं बचता था। तो लोगों को लगता था मैं वीडियो फुल वॉच नहीं करती थी, उनकी वीडियो पर ध्यान नहीं देती थी। तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, मैं अपनी फैमिली के साथ बातें करने में लगी होती थी और वीडियो चला कर रख देती थी या फिर काम करती रहती थी तो वीडियो चला कर रख देती थी। कई बार ऐसा होता था कमेंट नहीं करती थी, बाहर गाड़ी चला जाती थी, कमेंट नहीं कर पाती थी और किसी और की वीडियो चल पड़ती थी, तो कई बार ऐसा भी होता था। तो और मैंने आज दुपट्टा लिया येल्लो कलर का, चलो वो बात तो छोड़ो, आज से सभी की वीडियो पर अच्छे से कॉमेंट भी करूँगी और वॉच तो करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही बताना था मुझे आपको। तो फैमिली वालों की वजह से जो है मैं वीडियो पे नहीं आ पा रही थी और मैंने गले में कुछ नहीं डाला है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि रैशेस हो जा रहे गले पे, इसलिए उतार देती हूँ मैं, तो बाद में डाल लेती हूँ, ठीक है। और मैंने सर पर दुपट्टा लिया है, क्यों लिया है, बहुत सा कारण है सच में। अगर मेरी फैमिली में से कोई मुझे बताता ना तो मैं शायद, मुझे पता भी नहीं लगता कि मेरी वीडियो मेरे जेठ भी देखते हैं और मेरे ससुर जी भी देखते हैं। हालांकि मेरे ससुर जी के पास फ़ोन नहीं है लेकिन मेरी जो दुरानी है ना, उनकी बेटी मेरे ससुर जी को वीडियो दिखाती है, देखो बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी ने वीडियो बनाया है, देखो पापा देखो। तो इसकी वजह से मेरे ससुर जी भी कई बार वीडियो देख लेते और मेरे जेठ भी देखते हैं। उनके पास तो पहले फ़ोन नहीं था लेकिन हो गए शायद 6-7 महीने से या 4-5 महीने से लगभग उनके पास भी फ़ोन है, तो वो भी देखते हैं। तो कल मेरी जिठानी जब आई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जब दुपट्टा ले कर रखती है तब वो वीडियो उतनी वीडियो देखते हैं, नहीं तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि बिना दुपट्टे के उनको फिर अच्छा नहीं रहता, सही बात है। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद जो भी वीडियो शूट करूँगी ना तो मैं सूट डाल लिया करूँगी और दुपट्टा ले लिया करूँगी, चाहे सर पर दुपट्टा हो ना हो लेकिन दुपट्टा शरीर पे होना चाहिए, ये सही बात है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी फैमिली में से मेरे इतने सारे लोग जो है मेरे घर से वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे ननद के ससुराल वाले भी वीडियो देखते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे खुद को अच्छा नहीं फील हो रहा था कि ऐसा है कि सारे वीडियो देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ी का रिवाज है, अगर जो साड़ी पहनते हैं अगर सूट पहन रहे हैं तो दुपट्टा तो जरूर लें, और सर पे हमारे यहाँ ससुराल में पता ही सर पे दुपट्टा होता ही होता है, तो चलो काम कुम करते समय हम सर पे दुपट्टा नहीं ले सकते लेकिन दुपट्टा तो ले ही सकते हैं और अपना सूट तो पहन ही सकते हैं। तो
तो इसीलिए अब सूट पहन के मुझे वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा शर्म सी आ रही थी कि आएगी, क्योंकि फैमिली के सभी लोग देखते, और मैंने शेयर नहीं किया था अपना जो है वीडियो वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं किया था, सिर्फ वो क्या है ना, बस उनको पता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो बस वो सभी लोग एक दूसरे को शेयर करते करते मेरी पूरी फैमिली के पास मेरी वीडियो पहुँच चुकी है, जो सभी मेरी फैमिली में वीडियो देखते हैं, रोज़ से देखते हैं, कभी कभी वीडियो देखते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं सूट में वीडियो बनाया करूँगी, वीडियो बनाते समय सूट में सूट पहना करूँगी, और वीडियो के पीछे चाहे मैं टी शर्ट में रहूँ या कैसे भी रहूँ, और आज तक मैं कभी अपने जो है ससुर के सामने टी शर्ट नहीं पहना है, टी शर्ट में कभी नहीं रही हूँ, कभी भी आते हैं तो फ़ोन करके आते हैं, मैं सूट डाल लेती हूँ, मैं उनके सामने कभी भी टी शर्ट में नहीं रहती हूँ, ना ही अपने गेट के सामने, ना ही अपने ससुर के सामने। तो ठीक है, इसीलिए अब सूट में वीडियो बनाया करूँगी, जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी फैमिली वालों को भी अच्छा लगेगा, और देखने के वाले जो है फुल वॉच अच्छे से जो है देख पाएंगे मेरी वीडियो, मेरे जेठ जी, मेरे ससुर जी और बाकी लोग भी जो है अच्छे से वीडियो देखें, वो लोग उनको अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि वो लोग पसंद नहीं करते हैं वीडियो बनाना मेरा, उनको अच्छा लगता है कि कुछ अलग कर रही है मेरी बहू या मैं अलग कर रही हूँ, उनको अच्छा लगता है, मेरी फैमिली में सभी को पसंद है मेरा वीडियो बनाना, लेकिन बस वही है ना कि उनको थोड़ा सा वो लगता है कि जब मैं दुपट्टा नहीं लेकर रहती हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है उनको, इसीलिए बस और कुछ नहीं। तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे बताया कि ये सभी वीडियो देखते तुम्हारी, तो फिर मैं कहा चलो मैं सूट में वीडियो बनाया करूँगी अब, यही वजह है मेरा सूट में वीडियो बनाने का और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत सारी बातें हो गई हैं आप लोगों से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सूट हो गया है, तो आज से आप लोगों को मेरा सूट पे वीडियो देखने को मिलेगा, और कभी कभी टी शर्ट भी पा लिया करूँगी वीडियो में, ऐसा नहीं है, टी शर्ट पहन के और दुपट्टा ले लिया करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।